छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली बार भाजपा नेता नारायण चंदेल जांजगीर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। चापा के वार्ड नंबर 14 कोटा डगरी के पार्षद ने विपक्ष के नेता का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को जांजगीर चापा को जिले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। अब उनके नेता प्रतिपक्ष बनने जाने पर जहां जिले का प्रतिनिधित्व पहले से अधिक मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा का जनाधार भी बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर ने कहा कि भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार झूठी सरकार है, वहीं नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील भी की है, साथ ही पार्टी के नेताओं का धन्यवाद किया है। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व देने के लिए मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। और रही बात कार्यकर्ता को संदेश की, आज चांपा नगर में सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं नगर के और आसपास के क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हमारे नारायण चंदेल दबंग विधायक महोदय जी का प्रतिपक्ष नेता बनने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, और हमारे स्वागत के लिए हम लोग का जनसंख्या